ऊपर लगी है, ऊपर लगी थी वाली शूटिंग कर देंगे जरा फ्रेश ओए सने चल कस खराब धरती उड़ ओए अरे बारी के देनी वेत नहीं बाबू काट दी ले कर दी ये जी काट दी हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त फिरोज और आप लोगों का सर्प मित्र फिरोज आता रिश यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला तहसील पाथड़ी से हूँ और तकरीबन आज फिर से हम एक बार माई बाबलगांव इस हाज में शिक्षक कॉलोनी, इस कॉलोनी के अंदर अक्सर सांप ज़्यादातर में नज़र आते हैं, रैट स्नेक। इसकी जायत वजह ये है कि दोस्तों, ये जो कॉलोनी है पहाड़ों को चीरते हुए जंगल की ओर बढ़ रही है। पहले कुछ समय पहले ये भी एरिया जंगल का था, तो सांप जितने भी बेजुबान जीव है सब अपने आशियाने में रहते थे, लेकिन इंसान ने जंगलों को काट के बस्ती बनाना शुरू कर दिया, तब से सांपों का बहुत सारा
जो जंगल के और रहने वाले जीव है वो गांव में नजर आते है, ऐसा नहीं हम लोग ने जंगल को गांव बना दिया है। तो दोस्तों इस सांप को हमारे जमीर भाई आतार उनके घर से हमें कॉल आया था कुछ समय पहले, उनके घर के भीतर से झाड़ के ऊपर से हमने इसे रेस्क्यू किया। हालांकि झाड़ के उस पार भी जंगल का एरिया है, लेकिन काफ़ी यहाँ पर बच्चे और महिलाएं और काफ़ी ढेर सारे घर होने के कारण इस सांप को हम रेस्क्यू कर रहे हैं और अभी जंगल में पर्यावरण में आज़ाद करेंगे। क्योंकि दोस्तों सांप जो होते हैं ये पर्यावरण में संतुलन बनाने का काम करती है, और रैट स्नेक धामन सांप ये बिना विषारी सांप होता है, काफ़ी तेज रफ्तार से भागता है, इसके कारण इंसान देखने के बाद काफ़ी घबरा जाता है। यही हाल हमारे जमीर भाई आता है, उनके घर वाले और बच्चों ने काफ़ी शोर मचाया था, सांप को देखने के बाद काफ़ी घबराहट का माहौल हुआ था। अब इसे हम लेकर जाएंगे और सुरक्षित जगह जहाँ पर ये रहेंगे बड़े आराम से, यहाँ पर इसे आज़ाद करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देख के ऐसी गलती आप ना करें, एक काम एक जानकार के लिए एक्सपर्ट के लिए हमारे साथ आज रुपेश सोनू ने जो अपना कारोबार छोड़ के सांप को रेस्क्यू करने में हमारे साथ है, और ये सनी जादव दोस्तों ये भी सांपों को बचाने में काफ़ी यहाँ पर हमारे साथ हमेशा हेल्प करते हैं। कुछ समय में ये भी बहुत अच्छे से सर्प मित्र होंगे, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है और अनुभव की। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा हमने घर के करीब से काफ़ी बड़ा रैट स्नेक धामन सांप, इसे कुछ राज्यों में धोबी पछाड़ भी कह रहे थे। दोस्तों तो जंगल में पर्यावरण में सुरक्षित जगह जहाँ पर वो अपना आशियाना खुद ढूंढ लेगा बना लेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ पर जिस घर से हमने सांप को रेस्क्यू किया काफ़ी बड़ी बस्ती थी, शायद इंसान इसे अपने डर के कारण मार सकता था, इसलिए दोस्तों हम भी सांपों को ऐसी जगह से लाते हैं जहाँ पर सांपों को इंसान से खतरा और इंसान को सांपों से खतरा होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपका कीमती समय ना लेते आपको बताएंगे रैट स्नेक धामन सांप। तो दोस्तों देखा आपने काफ़ी रफ्तार से रैट स्नेक धामन सांप जंगल में पर्यावरण ने हमने आज़ाद किया है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।